हेलो एवरीवन, वेलकम टू रितिकाज आइडियाज। कैसे हैं आप सब? वी होप आप सब अपने घरों में सेफ है, सुरक्षित हैं। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3, हमारा लंच हो चुका है और अब हम कर रहे हैं व्लॉगिंग। और यहाँ पे मौसम हो रहा है बड़ा बहुत अच्छा मौसम, बारिश होकर हटी है, मतलब सुबह हुई थी, अभी धूप आ गई हल्की सी और फिर होगी शाम को बारिश। अच्छा मौसम हो रहा है और अभी यहाँ पे क्या मानसून स्टार्ट हो चुका है। इतनी बारिश होती है ना नासिक में, मतलब फ्लड तो आना ही आना है, हर साल आता है, एवरी ईयर यहाँ पर फ्लड आता है और हम देखने जाते हैं। मतलब इतना एक्टिवा पे इतना पानी होता है, मतलब एक्टिवा सपोज यहाँ पे है तो उसका आधी तो भर जाता है, टायर जो रहते हैं ना एक्टिवा के पूरा डूब जाते हैं, पूरा डूब जाते हैं, लेकिन हम फिर भी जाते हैं, ऊपर से बारिश हो रही है, हम भीगे हुए फिर भी और जरूर देखते हैं। तो अभी अच्छा इसमें सिमरन में आज कोई चेंज दिख रहा है? ज़ूम करना पड़ेगा थोड़ा सा। मैंने आज नोज पिन डाली, नोज पीछे पड़ गई कि मम्मा मुझे डालनी है नोज पिन डालनी है, मेरे को बहुत शौक है और मैंने सोचा आज के शूट में डालूं जरा। बताओ कैसी लग रही है? बड़ी बड़ी लग रही है ना, थोड़ी मुझसे बड़ी लग रही है। वैसे आपसे बड़ी तो नहीं हूँ लेकिन वैसे तो बड़ी हूँ। नहीं नहीं, वो तो मुझसे बड़ी, मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे बड़ी थोड़ी हो सकती है। बताना कैसी लग रही है, मेरा बहुत शौक है नोज पिन डालने का। चलो तो चलिए अभी देखते हैं कि कैसा मौसम हो रहा है, धूप है कि बारिश है। तो यहाँ पे मौसम इतना अच्छा हो रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशली यहाँ पे जब रात को बारिश होके हटती है तो जो बालकनी में बैठने का मजा है वो इस दुनिया में मजा है ही नहीं। अभी धूप है, सुबह तो बहुत अच्छी बारिश थी, अभी सब सूख गया, धूप निकल आई, अभी तो बेचारे पौधों को भी पानी देना है मुझे। तो देखो हमारी ग्रीनरी, पापा को ग्रीनरी का बहुत शौक है, स्पेशली उन्हें प्लांटिंग का तो इतना शौक है, जहाँ जो भी छोटी चीज खाली दिखे वहाँ पापा मनी प्लांट लगा देते हैं। एंड गुड थिंग इज दैट कि हमारा हर एक प्लांट ग्रो करते हैं, स्पेशली मनी प्लांट। आप जैसे मनी प्लांट तो बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं एंड इसके जो पत्ते होते हैं ना वो भी देखो, इधर दिखा मम्मी, बहुत बड़े बड़े होते हैं। अभी टूट गया ना गलती से तो पापा मेरे को छोड़ेंगे नहीं। तो इस मनी प्लांट के जो पत्ते हैं ना वो काफ़ी बड़े बड़े हैं और शेडेड पत्ते हैं। एक्चुअली ये वाला मनी प्लांट इंडिया का नहीं है, ये हम लोग जर्मनी से लेके आए थे बहुत संभाल संभाल के। तो जो इंडिया के मनी प्लांट रहते हैं ना उनका जो पत्ता होता है वो पूरी तरह ग्रीन होता है, ज़्यादातर मतलब शेडेड वाला कम मिलेगा, पूरा ग्रीन रहेगा। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छा इसमें शेड है, दो शेड है इसके अंदर और पत्ते का साइज़ भी काफ़ी बड़ा रहता है। बुनी, ए बुनी क्या खा रहा है, क्या खा रहा है बाबू? पत्ता नहीं खाना, पत्ता नहीं खाना। अरे माँ ये क्या लिखा है, ये तो मैंने भी नहीं देखा था। मेरी लाइफ मेरे रूल्स, वो था मेरी जिंदगी मेरे उसूल, लेकिन वो थोड़ा छोटा है और मैंने हैंडराइटिंग बड़ी निकाली है तो वो ऐसा है। अच्छा लिखा है, अभी इसके पीछे खा ले मेरी ये। चलो सिमरन की ये बेडशीट कितने अच्छे से बिछाती है मुझे नहीं पता है, अगर यहाँ कूद भी जाओ ना तो भी नहीं निकलती, बहुत अच्छे से बिछाती है। और मैं कभी उसको बोलू ना कि मेरे रूम में तो ऐसा बिछा दे, एक बार मेरे रूम में भी बिछा दे, कभी भी नहीं बिछाती। और अपने रूम कैसे एकदम बढ़िया से बिछाती है, वो है भी मेरा रूम। हाँ तो मेरे रूम में बिछाने में इसको आलस आता है, लेजी लड़की। मेरा फेवरेट बेड है और मैं अपने बेड पे गलती से भी किसी को नहीं लेटने देती, या बैठने भी नहीं देती, चाहे वो मम्मी हो, चाहे वो ब्रूनो हो, चाहे वो पापा हो। मैं डांट खा लूंगी, मैं गुस्सा सुन लूंगी, मेरे को कुछ नहीं, लेकिन मैं ये कभी नहीं छोड़ती। बहुत मारा कुत्ते ने, बहुत ज्यादा हरण, बार बार के नीचे उतर गया। मैं बुनी थक गया, चलो मैं भी थोड़ा लेट के देखू, मैं भी थोड़ा की बेड पे। अरे देख ऐसे मत कर, मैं तो अरे उठो उठो, बेडशीट खराब थोड़ी हो जाती है लेटने से, आपके लेटने से हो जाएगी, मेरे लेटने से भैंसो ऐसे थोड़ी है, भैंसी थोड़ी हूँ मैं। तो मैं चली कुछ खाने क्योंकि मेरे को लग रही है भूख थोड़ी थोड़ी, मुझे भी लग रही है। तो मैं क्या खाऊंगी? आप अखरोट? मैं खाती हूँ अपने अखरोट, आज मैंने खाए नहीं है। तो एक मिनट,
आज चल रही है अखरोट की पार्टी। अखरोट की पार्टी होती है। मैं तोड़ के दिखाऊं? मैं तोड़ती हूँ, तेरे से टूटेगा नहीं। दम है नहीं, एक तोड़ने में 20 मिनट लगाती है। अच्छा चल ना, 20 मिनट नहीं लगते। मैं दिखाऊं मेरे सिर्फ एक हाथ से कैसे टूटता है। वैसे तो मेरे से भी टूट जाता है कई बार, जो टाइट होते हैं ना वो नहीं टूटते हैं। बस एक तो तोड़ भी दिया, देखो देखो कितना अच्छा निकाला है। ये तो अच्छा निकाला। मेरा क्या था मेरे पता क्या होता, कई बार चूरा सा बन जाता है। पहले पता क्या होता था, एक मिनट बताती हूँ। पहले क्या होता था ना, अखरोट को हम तोड़ते थे दरवाजे से लगा के, दरवाजे में तोड़ जाते थे। उसको क्या बोलते हैं जो दरवाजे पे ऐसे बंद करते हैं ना, तो कैसे समझाऊं, दरवाजे पे रख के तोड़ते थे। शायद सबने ऐसे ही तोड़ा हो कभी ना कभी, लेकिन ऐसे ही तोड़ा करते जो अभी के जनरेशन की देख रहे हो वो अभी ने अभी तो ये आने लग गया ना, इस तरह से ये आता है ना कटर। कटर नहीं है वो, कटर नहीं है। फिर क्या है, कुछ तो है। कटर नहीं है कटर ही है, मतलब इससे ही अखरोट तोड़े जाते हैं। अभी आने लग गया, पहले नहीं आता था, पहले दरवाजे पे रख के तोड़ते थे। मुझे भी एक आधा तोड़ दे, मैं खुद तोड़ लूं। परफेक्ट। आप तोड़ना है? मैं भी तोड़ सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है। एक हाथ से मैं भी तोड़ सकती हूँ। मम्मी तोड़ के दिखाओ एक हाथ से, दूसरे का यूज नहीं करना। तोड़ना। ये तोड़ के दिखा दिया। तू क्या समझती है हाँ, तेरे से ज्यादा तेज हूँ, समझी? हार चबड़ चबड़ खा रही है, मेरे को भी दे। तो चबड़ चबड़ ही खाते हो ना, ऐसे खाऊं? मेरे खाने की स्पीड ना बहुत तेज है, मुझे बहुत स्लो है। आप मेरे खाने में इतनी तेज है, बहुत मेरे आपसे तेज है। मतलब मेरी रोटी अगर रखी है ना तो 5 मिनट में रोटी खत्म। तो मैंने मेरी 2 मिनट में होती है, आपके जितने एक बुर्की होती है। लोगों की कितनी होती है, मेरी कितनी है? मतलब मैं तो छोटी छोटी बाइट लेती हूँ, बड़ी बड़ी तो कभी हाँ नहीं। तो उसको खाना पड़ता है, चबाना पड़ता है, निगलते नहीं है हम लोग आपकी तरह। वो गाय और भैंस निगलती है ना, वो भी चबाती है भैंस भी, समझी? भैंस कोई निगलती नहीं है, आपको पता होगा ना। भैंस जुगाली करती है। क्या करती है? जुगाली करती है। जुगाली पता ऐसे आवाज में निकालो ना, निकालो आप करो। करो करो, मैं निकाल दिया और फिर मुंह पे आ करना, ठीक है? मैं जब गर्म आप ऐसे आवाज मत निकालना, आवाज मैं निकालूंगी आपसे मुंह खोलना। मैं 3 बोलूंगी तब, अभी जुगाली करो। 2 3 गंदी गंदी बच्ची है, गंदी बच्ची। ये भैंस तो मुझे हमेशा भैंस कहती है। क्या मैं भैंस लगती हूँ? मैं आपसे पूछती हूँ, आप बताओ कमेंट में आएगा यस दीदी आप भैंस लगती है। नहीं मैं भैंस नहीं लगती, मैं भैंसी लगती हूँ। मैं मतलब इतनी मोटी थोड़ी हूँ, मेरे को भैंसी बुलाती है कि आप बहुत मोटी हो। देखो मेरे को दिखा, दिखा कहाँ से भैंसी नजर आती हूँ, दिखा। ई ये देखो, कोई मैं भैंसी दिखती हूँ? मम्मी आप भैंसी नहीं लगती, भैंसी की माँ लगती हो। मुझे लगा छोटा छोटे वो बोलेगी भैंस का छोटा बेबी लगती। हाय मोटी, हाय मोटी। अरे सारा मेकअप उतर गया, देख लिपस्टिक लग गई यार। बस 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 हो गया। ये ऐसे करती है गंदी। अभी बज रही है 5 और 6 बजे तक। छोटी है मम्मी, थोड़ी हाइट में। बस मेरी बुराई करती जा रही है। वैसे नियत की इतनी सी बहुत अच्छी है। नियत की नियत की भी इतनी सी अच्छी, नियत की अच्छी क्यों है? जब पापा से मैं डांट खाती हूँ ना तो यही बचाती है, ये बचाती है मुझे। वैसे सारी मम्मियाँ बचाती है जब पापा डांटते हैं ना। मेरे को भी बहुत मारती है ये। कौन? तूरी। मैं बहुत कम मारती हूँ। मारती है ना?
बहुत, और जब मेरे को मतलब कोई चीज ओवर हो जाती ना फिर इसको पढ़ते हैं जोर जोर से, और इतनी तेज पड़ेगा ना ऐसा लगता है कि हाँ भाई। और तेरे को कब लगता है मम्मी क्या करती है बता, जब इसको ऐसे मारती हूँ ना ये ऐसे कर लेगी तो इसके हाथ में ये जो कड़ा है ना ये इसको बचाने का काम करता है और मुझे मरवाता है। और ये इतनी तेज लगता है मम्मी को या निशान पड़ जाता है, मेरे को बहुत तेज लगता है। तो ये भगवान का क्या हो गया दादा, किस पे भौंक रहा है, कौन दिखा इसे, मेरे को नहीं पता। ये भगवान का कड़ा ना, भगवान मेरी रक्षा करते हैं, ये इस बात का सबूत है। मम्मी के बिना बहुत बोर होता है, तो आ जाओ मम्मी से बातें करें। तो अच्छा मेरे बिना मन नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं। सही बता, वैसे तो बड़ी बड़ी लग रही है नथ डाल के, देखो बड़ी बड़ी से। अच्छा मुझे दिए एक बार, मैं भी डाल के देखो। एक बार भी इसने मुझे ट्राई नहीं करने दिया, एक बार भी मैंने इसको इतना बोला कि मुझे दो मिनट ट्राई तो करने दे, लग कैसे खाओ है? खाओ। खाओ क्या होता है, मैं लेके आई हूँ, आज ही लेके आई हूँ, मुझे एक्चुअली पार्लर जाना था, तो एक्चुअली पार्लर जाना था, वहां से मैंने फोन करके मंगाई कि अगर शॉप खुली तो नथ लेके आओ, नहीं तो नहीं आनी थी। अभी क्या है ना, लॉकडाउन खुल गया है तो मुझे आईब्रो करानी थी, मैंने कितने टाइम से नहीं करवाई थी, तो सोचा जाती हूँ, थोड़ा रिस्क लग रहा था क्योंकि मुझे बड़ा डर लगने लग गया जब से कोरोना हुआ है ना, तो मुझे बहुत डर लगता है, तो लेकिन जरूरी था तो गई मैं। तो लेकिन वैसे मम्मी भी बहुत सुंदर लगेगी। हाँ ऐसे करके मैं इमेजिन करूँ। तो मैडम का फोन आया कि मम्मा अगर शॉप खुली है ना बिल्कुल साथ में ही तो रील्स लेके आओ, कैरी चली, तो ये नथ लेकर आओ, मेरे को आज रील्स भी बनानी है। एंड स्पेशली मैंने एक रील के लिए ये नथ मंगाई है, स्पेशली क्या नाम था उस रील का, सुबह से वही गा रहा, भूल गया था। मैंने पूछा कि मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, पहले शर्माए फिर हंस के बोले, तुम तो दिल में समाए हुए हो, मिलने की जरूरत नहीं। मस्त है, बहुत अच्छा है ये सॉन्ग। और ये ना इतने क्लोजअप से बनाना है, तो फिर मैंने सोचा इतने क्लोजअप से, हाँ लेकिन इसमें इफेक्ट डाल के। क्या डाल के, इफेक्ट नहीं, बिना इफेक्ट के भी अच्छी दिख रही है, ऐसी बात नहीं है। पूछा के फिर, ये मेरी फेवरेट ड्रेस है, ये टॉप मैंने स्पेशली बनवाया है, ये क्या क्या था, ये हमने डिजाइन दिया था उन्होंने, ये मेरे को डिजाइन चाहिए था, ये जो ये मेरे ट्रेंड में ये जो कपड़ा है ना, ये इसकी दादी देखिए, मेरी दादी जी ने लाए थे, उन्होंने कहा था उनके सूट के कपड़े पीसेस बचे हुए होते हैं ना, वो बहुत सारे देखे गई कि कुछ ना कुछ ना इसका कर लेना, कुछ बना लेना या ऐसे कुछ, तो फिर मैं इसको देखे आई टेलर के पास। अब मेरा डांस करने का तो मन हो रहा है ना, चिका 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 चिका, मैं खुशी हो गई, मैं मिन्नत मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई 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 ऐसे। तो मम्मी अभी रात को बनाने वाली है दाल मखनी, डिनर फेवरेट सब्जी। डिनर मैं जल्दी बना लेती हूँ, 6 बजे मैं स्टार्ट कर देती हूँ डिनर बनाना। तो आज क्या बन रहा है सिमरन? दाल मखनी जो सिमरन की फेवरेट है। इसके साथ मैं बना के रखे हैं मैंने सिरके वाले प्याज, जो चुकंदर डाल के बनते हैं ना, जो रेस्टोरेंट में मिलते हैं, वो मैंने डाल के रखे हैं, तो 15 दिन तक वो ख़राब नहीं होते, बहुत अच्छे से रहते हैं। देखो इसका हमेशा चालू रहता है, स्ट्रीक्स भेजनी है स्ट्रीक्स। तो दाल मैंने भिगो के रखी हुई है, तो बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब ये भी सुन लीजिए, स्टे होम स्टे सेफ स्टे हेल्दी, अपना ख्याल रखना, अच्छा अच्छा घर का खाना, बाहर का ज़्यादा अवॉइड करना क्योंकि बाहर से ज़्यादा अच्छा घर का लगता है, बाहर कम निकलना क्योंकि कोविड होने के चांसेस से ज़्यादा और भी चीज़ें हो रही है, ब्लैक फ्लू ये वाला फ्लू ब्लैक सॉरी ब्लैक ब्लैक फंगस ये वाला फंगस वो वाला फंगस कोविड होने के बाद होता है ब्लैक फंगस। हाँ ठीक है, जो भी है मतलब थोड़ा बच के रहना, क्योंकि सिर्फ कोविड और ऐसी डिजीज़ नहीं, और भी चीज़ें हैं जो आपको बाहर जाने से इफेक्ट कर सकती हैं, बच के रहना और अपनी फैमिली को सेफ रखना ये मेन चीज़ है। चलिए अब करते हैं ब्लॉग का एंड, तो चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, बाय बाय।